राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। किंग साहब, मैं अपनी के बारे में पूछना चाहता हूँ। वाइफ के बारे में, उनकी एज है 68। उनका पाँव सूज जाते हैं, जैसे किचन में खड़ के काम करते हैं, जैसे सिंक में बर्तन वगैरह साफ करते हैं, तो जो पाँव का जो पंजा है चखने तक काफी स्वेलिंग हो जाती है, तो ठीक है उसके बारे में पूछना था मैं। क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों हो जाता है? जो देखिए, जिस उम्र में आपकी पत्नी है या आप हैं या मैं हूँ, इस उम्र में कैल्शियम और मल्टी विटामिन्स का प्रोडक्शन वो नहीं रहता जो होता है पहले से। कभी कभी कैल्शियम की कमी से भी ये तकलीफ होती है। तो एक हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोलियां उन्हें देना शुरू करें, मेडिकल स्टोर से ले लें। तो उसमें वो सब कुछ होता है जो हमारी आपकी उम्र के लोगों की ज़रूरत होती है। कैल्शियम मतलब चूना होता है, और कई विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी वगैरह, विटामिन सी बी और बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक गोली में होता है। तो हफ्ते में 2 या 3 बार देना शुरू करें, अभी तक कोई दवा ना दें। अगर उससे 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो फिर दवा की ज़रूरत नहीं, वही देते रहें। और आप भी लिया करें कम से कम हफ्ते में 2 बार, ये ज़रूरी है हमारी आपकी उम्र वालों के लिए। और गौन सिया भी दे सकते हैं उन्हें, एक खुराक या 2 खुराक पूरे दिन में खाने के बाद, दूध या पानी से, उससे भी उनको फायदा होना मुमकिन है। जी। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जी बताएं सर, प्रश्न करें। जी ऐसा, मैंने जैतून का सिरका मंगाया था, ठीक है एक बोतल तो मैंने खत्म कर दिया, दूसरी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब जिसका कोई तकलीफ ना हो वो भी ले सकते हैं इसको? देखिए, जैतून का सिरका जी वो लोग भी ले सकते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है। जी और ये 4-5 काम करता है। जी एक तो खून से जो ज़्यादा चर्बी होती है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे निकाल के बाहर कर देता है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। खून में चर्बी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो चर्बी आपको ब्लड प्रेशर करती है और हार्ट अटैक कर सकती है, दिल की रगों में जम सकती है, हार्ट ब्लॉकेज कर सकती है और ब्रेन हैमरेज कर सकती है। ये 4 बीमारियों को ये होने नहीं देती, और जिसको है उसकी उसको फ़ायदा देती है और उसको लेवल पर आती है। एक शुगर किसी को हो तो उसको भी काफ़ी कंट्रोल करते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा है और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इन सब बीमारियों में आप ले सकते हैं, और अगर कोई निरोगी ले तो उसको ये रोग नहीं होने देता।